कोडरमा जिला प्रखंड डोमचाच के अंतर्गत कबराबुट गांव में पवन कुमार के अलावे 44 बच्चे नियमित रूप से विद्यालय संचालित नहीं होने के कारण से पठन पाठन में बच्चे बाधित हो रहे हैं। आप स्कूल जाते पढ़ते? तो मास्टर आबो अड़ेली ना ये वो भाग जाए तुरते दो घंटा पढ़े तुरते भाग जाओ ये बेन करो ये वो कभी भाग जाए मास्टर फिल्म दिखाओ कौन फिल्म दिखाओ कौन फिल्म दिखाओ भगवान तो तुम लोग को बढ़िया मास्टर मिला पिक्चर दिखाता है तो हफ्ता में मतलब महीना में दो बार बच्चा पढ़ता है दो दिन पढ़ता है उसका बाद बंद रहता है। तो यहाँ एक मास्टर है कि और मास्टर? एक ही मास्टर। एक ही मास्टर। वो मास्टर कहाँ से आता है पढ़ाने के लिए? मास्टर रहता है थी। उसको डरा है तिलैया रहता है वो नवादा से। और स्कूल में बच्चे लोग को खाने में क्या देता है? खिचड़ी मिलता है यार वही की जो होता है तो महीना चाहे दो महीना में मिलता है डिम खाने के लिए क्या मिलेगा। कितना बच्चा पढ़ता है यहाँ? बच्चा तो बच्चा पढ़ाने लगेगा तो बहुत बच्चा है लेकिन स्कूल में मास्टर बैठवे नहीं करता है तो क्या करेगा बच्चा। अब मास्टर नहीं आता नहीं बच्चा आता तो वे बच्चा कहता है कि हम लोग दो रोज पढ़ाता है चार रोज खिलाने के लिए कहता तो हम लोग खेलते रहेंगे जा तुम बैठते रहो स्कूल में। माए बाप साथ डर ढिबरा करने जाता है क्या करने जाएगा पढ़ाई नहीं होता इसके कारण। हाँ उसके कारण से घर में माए बाप मारपीट को क्या करेंगे जो मास्टर बैठवे नहीं करता है पढ़ेवे नहीं करता है तो मारपीट करके क्या करेंगे हम लोग यहाँ बच्चा को। मैं यह वीडियो इसलिए बनाई हूँ पवन कुमार के अलावे 44 बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षक अपने विद्यालय सही समय पर संचालित नहीं करने के कारण से बच्चों को मजबूरन बाल मजदूरी करना पड़ता है। अतः आप सभी दर्शकों से विनम्र अपील करती हूँ जिला उपायुक्त के रवि कुमार 99 349 35 997 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि कबराबुट गांव में प्राथमिक विद्यालय को नियमित रूप से संचालित हो बाउंड्री हो एवं बच्चों को पोषक आहार मिले अच्छी शिक्षा मिले। मैं हूं डिम्पी देवी जिला कोडरमा झारखंड से इंडिया अनहट के लिए विनती विश्वकर्मा के साथ।